हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान से गुजरात जा रही 20 लाख की अवैध शराब बरामद। ट्रक से बरामद किए गए शराब के 300 कार्टन भूसे से भरे प्लास्टिक कट्टों के पीछे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। राजस्थान निर्मित शराब बरामद कर चालक व खलासी को किया गिरफ्तार। रीको पुलिस ने मावल चौकी पर राजस्थान से गुजरात जा रही शराब की खेप बरामद की। ट्रक में भूसे से भरे प्लास्टिक के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाए जा रहे राजस्थान निर्मित शराब के 300 कार्टन बरामद किए। बरामद की गई शराब का मूल्य 20 लाख रुपए आंका गया है। साथ ही चालक व खलासी को गिरफ्तार किया। एसपी हेमंत अभिलाष की ओर से गुजरात राज्य में जा रही अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी मिलन कुमार जोहिया, डीएसपी प्रवीण कुमार के सुपरविजन में रीको थाना अधिकारी राण सिंह सोड़ा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम में हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल गिरधारी सिंह, भवानी सिंह, ब्रजभूषण व महेंद्र सिंह को शामिल किया गया। मावल चौकी पर राजस्थान से गुजरात जा रहे ट्रक GJ18X8149 को रोका गया। जांच करने पर कंटेनर में भूसे से भरे प्लास्टिक कट्टों की आड़ में छुपा कर ले जाए जा रहे राजस्थान निर्मित अलग अलग ब्रांड के 300 कार्टन बरामद किए गए। पुलिस ने राजस्थान निर्मित कंटी क्लब डीलक्स विस्की के 150 व व्हाइट लेस वोडका के 150 कार्टन बरामद किए। वो गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर निवासी खलासी जाधव भाई पुत्र डाया भाई कोहली को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए हेमंत अभिलाष एसपी सिरोही इन्होंने ये कहा, बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ट्रक को जब्त किया गया जिसमें 300 अंग्रेजी शराब के कार्टन बरामद किए गए हैं जो करीब 20 लाख की शराब है और ये शराब राजस्थान की होकर गुजरात जा रही थी। कार्रवाई करते हुए दो मुजरिमों को अरेस्ट किया गया। प्रकरण दर्ज करके गहन अनुसंधान किया जाएगा और अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाएगा। जागरूक टीवी की आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।